श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। सावन का भी बहुत ही प्यारा सा पवित्र महीना चल रहा है और सावन के केवल 3 दिन रह गए हैं। 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख को तो पूर्णिमा है। 30 और 31 तारीख को पूर्णिमा है, तो 3 दिन आपके पास हैं और 3 दिनों में कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आज करना चाहें तो आज कर लेना। ये उपाय सभी को करना चाहिए, हर घर में ये उपाय होना चाहिए। बहुत ही प्यारे से उपाय हैं जो कि पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बहुत ही सुंदर तरीके से बताए हैं। देखिए, ये उपाय अगर घर में कोई भी करता है किसी भी कामना के लिए, तो उसके घर से सारी परेशानियाँ जो हैं वो दूर हो जाती हैं। आपके घर से गरीबी, दारिद्रता दूर हो जाती है, आपके जीवन के दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं, आपका जीवन सौभाग्यशाली हो जाता है, किस्मत की रेखा चमक जाती है। तो बहुत ही प्यारे से 3 महा उपाय के आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें। देखो, 3ों महा उपाय हैं, 3ों में से जो उपाय आपको करना है, बिल्कुल श्रद्धा से, बिल्कुल विश्वास के साथ, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको ये उपाय करना है। सबसे पहला उपाय, पहला जो उपाय होगा वो करना है कनेर के पुष्प से। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने इस बार कनेर के जो पुष्प के जो उपाय हैं बहुत बताए हैं। अधिक मास वाले उपाय बताए हैं, सावन के उपाय बताए हैं, सावन में करने वाले उपाय बताए हैं, और आज के इस वीडियो में हम वही उपाय बहुत ही शुद्ध रूप से आपको बता रहे हैं। देखो, आपको लेना है कनेर का पुष्प। कनेर का पुष्प आपको 7 जगह स्पर्श करवानी है और आपकी जो भी मनोकामना है वो परिपूर्ण हो जाएगी। बहुत ही प्यारा सा मनोकामना पूर्ति का ये उपाय है। और सावन में कनेर का पुष्प का जो भी उपाय आप करते हैं वो सिद्ध ही होते हैं, तो इसीलिए आपको बचे हुए दिनों में ये कनेर के पुष्प का उपाय जरूर करना है। देखो, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। जो इच्छा रखोगे महादेव के सामने, वो देवाधिदेव महादेव आपकी इच्छा परिपूर्ण करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ, बिल्कुल श्रद्धा से, बिल्कुल मन से आपको ये उपाय करना है। केवल 3 दिन बचे हैं, भगवान शिव को उत्कृष्ट रूप से प्रसन्न करना है। देखो, ये जो उपाय है आप कभी भी कर सकते हैं। सुबह करना चाहें सुबह कर लीजिए, शाम को करना चाहें शाम को कर लीजिए, प्रदोष काल के समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, करना क्या है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले 1 लोटा जल जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। अब आपको आपके हाथ में कनेर का पुष्प लेना है। अब यही कनेर का पुष्प आपको 7 जगह स्पर्श करवाना है और आप जो बोलोगे महादेव आपकी हर इच्छा परिपूर्ण करेंगे। सबसे पहले शिवलिंग के सीधे तरफ गणेश जी का जहाँ पर स्थान होता है, जैसे कि हम सभी को पता है, वहाँ पर आपको स्पर्श करवाना है। कैसे स्पर्श करवाएंगे? डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए, ठीक है, भगवान शिव की तरफ फूल वाला हिस्सा आना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये अर्पित कर देना है। देखिए, दूसरा जो स्थान होगा वो कार्तिकेय जी वाला स्थान होगा, वहाँ पर स्पर्श करवाना, फिर वापस से इस पुष्प को उठाना, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना, फिर वापस से इस पुष्प को उठाना। अब इस बात को समझना, ये जो पुष्प है आपको ले जाना है नंदी जी के वहाँ पर। अब नंदी जी का जो पैर उठा हुआ रहता ना, वहाँ पर अर्पित नहीं करना है, आपको नंदी जी के मस्तक पर आपको स्पर्श करवाना है। नंदी जी के मस्तक पर स्पर्श करवा दिया और उसके बाद जो जलाधारी होती है ना भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर जो मटका होता है ना, जलाधारी जो होती है ना, वहाँ पर इसको स्पर्श करवाना है। और जब स्पर्श करवाओगे तब आपको महादेव की जो 5 पुत्रियाँ हैं, महादेव की जो 5 पुत्रियाँ हैं उनका नाम लेना है। वो जया, विसरा, सामिल बारी, देव दोतली, ये 5ों का आपको, इन 5ों का आपको नाम लेना है। फिर आपको क्या करना है, वो पुष्प वहाँ से भी आपको स्पर्श करते हुए उठाना है और फिर माता पार्वती के हस्त कमल के वहाँ पर आपको रख देना है। जब भी आप ये पुष्प उठा रहे होंगे ना, तो आपका हाथ मतलब पुष्प से हटना नहीं चाहिए, मतलब पुष्प के ऊपर ही आपका हाथ रहना चाहिए, ठीक है। माता पार्वती के वाले स्थान पर आपने अर्पित कर दिया, फिर उसके बाद वापस से आपको ये उठाना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। अब भगवान शिव के शिवलिंग पर जब आप अर्पित करोगे तो एक बात का ध्यान रखना, जो डंडे का हिस्सा होगा ना वो आपकी साइड होना चाहिए और पुष्प का जो हिस्सा होगा वो आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए। इस प्रकार से 7 जगह आपको ये स्पर्श करवाना है। यकीन मानिए, आप 7 जगह स्पर्श करवाने के बाद जो भी महादेव को आप बोलते हैं ना, वो आपकी इच्छा निश्चित ही परिपूर्ण होती है। बहुत ही प्रभावशाली उपाय है
तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है, विशेष दिन रह गए हैं, पूर्णिमा पर करना चाहते हो तो पूर्णिमा पर भी ये उपाय कर सकते हैं, जरूर इस उपाय को करना। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो दूसरा उपाय भी बहुत ही प्यारा है। यदि आपके भाग्य की रेखा जो है वो चमक ही नहीं रही है, आपका भाग्य विपरीत दिशा में ही चल रहा है, आपकी किस्मत चमक ही नहीं रही है, आपने बहुत सारा प्रयास किया, बहुत सारे उपाय किए लेकिन कोई भी फायदा आपको नहीं हो रहा है, तो ये उपाय आपके लिए है, आपके भाग्य को चमकाने के लिए। पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बहुत ही सुंदर सा ये उपाय बताया था। देखो गुरुजी क्या कहते हैं, सावन में अगर ये उपाय किसी भी एक दिन कोई भी व्यक्ति कर लेता है, उसके घर में उसके जीवन में भाग्य का उदय होता ही होता है। चाहे कितने भी आपके जीवन में दुर्भाग्य हो, कोई भी ग्रह अशुभ प्रभाव डाल रहा हो, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, इस उपाय को हम बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। देखो आपको लेना है एक बिलपत्र, बिलपत्र बहुत ही प्यारा सा होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। बिलपत्र ले लिया, साथ में लेना है पीला चंदन, ठीक है, पीला चंदन बाजार में आसानी से मिलता है, पीला चंदन ले लेना, ठीक है, थोड़ा सा उसमें जल मिला देना, पेस्ट के रूप में उसे बना लेना। पीले चंदन के साथ मिला लेना है आपको एक बूंद शहद, मात्र एक बूंद शहद लेना है, और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये चारों सामग्री लेकर के आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अब देखो क्या करना है समझना, बेलपत्र को सीधा रखना, चिकना वाले जो हिस्सा होगा वो ऊपर साइड होना चाहिए। अब चिकनी वाली जो पत्ती है वहां पर आपको ऊपर वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाना है। देखो पीली चीज ही भाग्य का उदय करती है, जैसे कि हम चने की दाल अर्पित करते हैं जो कि हमारे सौभाग्य को बढ़ाती है, हल्दी जो है जो हम भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं जो कि हमारे जीवन से दुर्भाग्य को दूर करती है, इसीलिए पीली चीजों का ही उपाय होता है। तो देखो आपके जीवन से सारे दुर्भाग्य को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, पीला चंदन जो है ऊपर वाली पत्ती पर लगा देना है। शहद जो है अब समझना, शहद जो है वो मध्य में, यानी कि दो पत्ती जहां से जुड़ी हुई रहती है वहां पर बीचों बीच में आपको ये शहद लगा देना है, और इसे उल्टा भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। अब इसी के ऊपर एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अर्पित कर देना है। देखिए ये जो उपाय है सावन में किसी भी दिन कर सकते हैं, तो तीन दिन पड़े हैं आपके, तो तीन दिन ही आपके पास बचे हैं, आज का, कल का और परसों का, तो आप ये उपाय जरूर करना, निश्चित ही आपके हाथों की लकीरें बदल जाएगी, आपके जीवन से सारा दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे सबसे विशेष उपाय की। पूज्य गुरुदेव ने सावन में एक उपाय करने को बोला था, हो सकता है आपने ये उपाय करा हो। देखो करना क्या है, ये उपाय आपके घर पर ही करना है, आपके घर में जो गमला है वहीं पर आपको ये उपाय करना है। समझना, तांबे के पात्र के अंदर थोड़ा सा जल ले लेना, ठीक है, और उसके बाद पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है आपको आपके घर में, आपके घर के गमले की मिट्टी में, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो गमला है तुलसी जी वाला नहीं होना चाहिए, तुलसी जी की मिट्टी उपयोग में नहीं लेना है। अगर आप तुलसी जी की मिट्टी उपयोग में लेते हैं तो और आपको दोष लग जाता है, तो हमें दोष नहीं लगाना है क्योंकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है, तो हमें ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करना है। किसी भी वृक्ष की जमीन की जो मिट्टी है उस मिट्टी में आपको शिवलिंग का निर्माण करना है, पूरा शिवलिंग का निर्माण करने की ज़रूरत नहीं है, केवल लिंग का ही निर्माण कर लीजिए, इस प्रकार से आपको निर्माण कर लेना है, ठीक है, मिट्टी से निर्माण कर लेना। अब आपको क्या करना है, वो भगवान शिव का लिंग हो गया है, अब उनका पूजन करना है, पीला चंदन लगाएं, लाल चंदन लगाएं, किसी भी द्रव्य से आप पूजा करें, चाहे आप बेलपत्र अर्पित करें, हरा मूंग अर्पित करें, किसी भी प्रकार से आप पूजा करते हैं आप पूजा कर सकते हैं। देखो ध्यान रखना, ये उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं। आपने उपाय किया, साथ में एक गोल बाती का आपको दीपक लगाना है भगवान के सामने। उस देखो क्या करना है, तांबे का पात्र ले लेना, उसके अंदर जो जल है उसके अंदर एक चावल का दाना डाल करके ये जो जल है शिव जी के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। उसके बाद कम से कम 15-20 मिनट तक महादेव के शिवलिंग को ऐसा ही रहने दें। आप जाप भी कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं, या आपके जो दूसरे काम है वो कर लीजिए। उसके बाद आ करके थोड़ा सा और जल डाल करके इन्हीं का शिवलिंग का जो विसर्जन है वहीं पर आपको मिट्टी में कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। बस एक बात का ध्यान रखना, गुरुवार के दिन पूर्णिमा पड़ रही है, तो अगर चावल आप अर्पित करते हैं, चावल तो विशेषकर आप कुछ भी भले अर्पित मत करना, भले पूजा बिल्कुल भी मत करना, लेकिन एक चावल का दाना उन पार्थिव शिवलिंग पर जो आपने बनाया है बिल्कुल श्रद्धा से एक चावल का दाना अर्पित कर देना, आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी, साथ ही साथ महादेव जी की कृपा से
आपके घर से क्लेश भी दूर हो जाएगा। पूर्णिमा का दिन तो बहुत ही दिव्य होता है, तो इसीलिए आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, 3 दिन बचे हैं, तीनों में से जो उपाय आपको लगता है, तीनों दिन ही अलग अलग उपाय कर लीजिए। आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, फिर परसों दूसरा कर लेना। इस प्रकार से ये 3 उपाय करना, बहुत ही प्यारे से उपाय हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है, महादेव जी का उपाय करना ही करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।